गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको कुछ जो हमारे साउथ में जो कंपनी थी उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको साउथ में जाने के लिए इंटरेस्टेड है तो मैं वहाँ के भी वीडियो आपको बना कर देता रहूँगा। कैंपस से रिलेटेड जो भी ITI डिप्लोमा और BTech से रिलेटेड होगी, तो यहाँ पे जो कंपनी है उसका नाम है थाई समिट ऑटो पार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कोरिया की समथिंग कंपनी है और जो कि विदेशी MNC कंपनी होती है। तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे चांस होता है आपको फॉरेन में जाके भी जॉब करने का, क्योंकि आपका ट्रांसफ़र वहाँ भी हो सकता है, तो जिससे आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो ये कंपनी जो है, इसका एड्रेस है प्लाट नंबर 4, सिकॉट सीपोर्ट इंडस्ट्रियल पार्क, वल्लम वडागाल, श्री पेरुम बुडूर, तमिलनाडु। तमिलनाडु में इसका प्लांट है और इसका एड्रेस काफ़ी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे BE डिप्लोमा ITI के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर आपने BTech या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की हुई है तो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल या प्रोडक्शन, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिप्लोमा किसी भी स्ट्रीम से और ITI भी किसी भी डेट से की हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो स्टाइपेंड रखा गया वो करीब 11,885 रुपये हो है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे अटेंडेंस बोनस भी 1,000 रुपये मिलेगा। यानी कि आपको एज ए ट्रेनी स्टाइपेंड ट्रेनी लिया जाए, यानी कि एज ए अप्रेंटिस कराएगी आपको। तो जो भी इंटरेस्टेड है वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पे आपको शिफ्ट अलाउंस भी दिया जाएगा और साथ साथ आपको ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाएगा, और बस फैसिलिटी भी वहाँ पे होगी। कुछ जो बस फैसिलिटी होगी वहाँ के जो एरिया है, सिरी पेरुम्बुदूर, कांचीपुरम, पाडापाडी, चेंगल पट्टू, कुछ इस एरिया है वहाँ से आपको बस फैसिलिटी भी मिल जाएगी। यहाँ पे फूड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो काफ़ी अच्छी बात है। नंबर ऑफ वैकेंसी 30 है और यहाँ पे एज लिमिट जो है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 26 ईयर है। तो जो भी कैंडिडेट 26 साल तक के वो इस कैंपस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो चाहे ITI डिप्लोमा BTech कोर्स भी हो तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो होना है, यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट होनी है वहाँ पे 1 और 2 नवंबर को होनी है, जैसे कि 8-2 नवंबर है। तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, तो अगर आप नहीं पहुँच पाते हैं तो यहाँ पे कांटेक्ट करके आप अपना रिज्यूम सेट कर सकते हैं, तो आगे आपको फ्यूचर में बुलाया जाएगा जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने इस जानकारी के लिए आप ये वीडियो बनाने की सोची है कि अगर आप नहीं भी पहुँच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, आप फ्यूचर में जॉब ले सकते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि जॉब पाना किसी भी तरीके से, HR का email ID मिले, मोबाइल नंबर मिले, फ़ोन नंबर मिले, उससे हम कॉन्टैक्ट करके किसी भी तरीके से हमें जॉब पाना हमारा उद्देश्य होता है। तो हमने उसके लिए ये वीडियो बनाया, तो यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, आप कॉल कर लीजिएगा अपना, और हो सके तो अपना रिज्यूम सेंड कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे उसी साउथ एरिया के ही दूसरे कैंपस के बारे में। फ्रेंड, दूसरा जो कैंपस है उसका उस कंपनी का नाम है जो है फ्रेंड कोयामा प्रिसीजन वर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये भी एक कोरियन कंपनी है। मोस्टली वहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनी होती हैं, जो MNC कंपनी होती है, जहाँ से आपका सिलेक्शन विदेश में हो सकता है। तो अच्छा चांस है, अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर रहेगा, आपको सीखने भी को भी काफ़ी कुछ मिलेगा। और इसका भी एड्रेस हमें लगता है शायद वही है, लेकिन नहीं, कुछ चेंज है इसका एड्रेस। इसका नाम है यमहा सप्लायर सिपकॉट इंडस्ट्रियल पार्क, पार्क वेल्लम वगाडाल, तमिलनाडु। इसका कुछ ऐसा यहाँ पर इसका एड्रेस है। यहाँ पे बताया गया नीट ट्रेनिंग फॉर प्रोडक्शन एंड CNC ऑपरेटर। तो यहाँ पर डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायरमेंट निकली गई है कि डिप्लोमा मैकेनिकल, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल्स, और डिप्लोमा मैकेनिकल, डिप्लोमा मैकेट्रॉनिक्स, और डिप्लोमा E&I। यहाँ पर आपका जो डेजिग्नेशन होगा वो DET और CNC ऑपरेटर का होगा, और यहाँ पे एज लिमिट आपकी मिनिमम 22 और मैक्सिमम 25 है। यहाँ पे भी जो सैलरी वो 12,500 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी है। यहाँ का भी जो इंटरव्यू 1 नवंबर और 2 नवंबर का होना है, यानी कि आज होना है, लेकिन मैं इसका भी आपको नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। फ्रेंड, ये कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉल कर लीजिए, और फ्यूचर में जो भी कॉन्टैक्ट हो या आपको एक कोई ईमेल ID उससे ज़रूर मांग लीजिए, क्योंकि आपका जो उद्देश्य है जॉब पाना, इसलिए आप बात करके एक ईमेल ID या फ़ोन नंबर मांग लीजिएगा, जिससे आप अपना रिज्यूम सेंड कर सकें और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी खुल सके वहाँ पर जॉब करने की। क्योंकि अगर आप जॉब नहीं करेंगे तो बेरोजगारी रहेगी, जिससे काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बताइए, मैं आगे इस तरह की वीडियो जल्दी जल्दी लेके आऊँगा, ताकि आप कैंपस में भी पार्टिसिपेट कर सकें। आज तो मैं लेट हो गया, तो अगर आपको वहाँ पे जाना है और वहाँ इन सब कंपनी में भी आप इंटरेस्टेड हैं तो बताइए हमें कमेंट में, मैं आगे वीडियो लाता रहूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।